students. Yesterday we have discussed about Nernst equation. We have discussed about the numericals. Here are some examples of Nernst equation. जैसे हमारे पास कोई भी लेते हम A B C D हमने दे दिया A is converting into A 3 plus concentration इसकी मान लो हमने दे दिया 0.1 फिर हमने क्या दे दिया B 2 plus concentration इसकी ले लिया हमने 0.01 ले लिया हमने and it is converting into B ये है हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन दिया है बेटा हमें और हमें क्या करना है अब इसके ऊपर सेल रिएक्शन लिखनी है वी हैव टू राइट द सेल रिएक्शन और ई सेल कैलकुलेट करना है हमें तो कैसे करेंगे अगर आपका ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो आप इससे भी ई सेल निकाल सकते हैं आपको मैंने बताया था जिसकी ऑक्सीडेशन हो उसको ऊपर जिसकी रिडक्शन हो उसको नीचे इस तरीके से हमने बताया था लेकिन बेटा अगर आप सेल रिएक्शन पहले लिख लेंगे तो और बढ़िया रहेगा और लिखने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं जैसे यहां से हम देखें A is converting into A 3 plus plus 3 इलेक्ट्रॉन A की ऑक्सीडेशन हुई है 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं इन सेकंड केस B 2 पॉजिटिव is converting into B इट मींस इसने क्या लिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं ऊपर वाले की ऑक्सीडेशन हुई है इधर की रिडक्शन हुई है इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं हमें तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनको बैलेंस करने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सेल रिएक्शन क्या बनेगी 2 3 जो 6 इलेक्ट्रॉन या 3 2 जो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पर हम लिखते हैं 2a 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहां प्लस 3b2 पॉजिटिव एरो अब हम देखेंगे 2 की इससे मल्टीप्लाई की 2a3 पॉजिटिव प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3b ये हमारे पास सेल रिएक्शन मिल गई है बेटा अब अगर हमें इसमें n की वैल्यू पूछी जाए तो हम यहां लिख सकते हैं कि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या है 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व R 6, 2 3 to 6 या 3 to the 6 तो पहली तो हो गई ये सेल रिएक्शन अब हमसे अगर पूछता है वो E सेल तो E सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला था E सेल इज इक्वल टू E नोट माइनस 0.0591 अपॉन N N क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व log concentration of oxidation upon concentration of reduction ये आपको लिखना था या यहां से देख लो concentration of product upon concentration of reactant अब आप देखो A 3 plus है power में क्या चला जाएगा coefficient चला जाएगा divided by B 2 plus है उसकी power कितनी हो जाएगी 3 हमने कहा था स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा कहां चला जाता है पावर के अंदर चला जाता है अब अगर हम इसकी कंसंट्रेशन लिखें ई सेल इज इक्वल टू ई नोट अब ई नोट इनकी गिवन होगी हमें एक की क्या दे रखी है एक की अगर हम बताएं हमें मान लो हमें दे दिया यहां पर मैं लिख देता हूं ई नोट ए A3 positive that is equal to 0.7 E note of B converting B2 positive that is 0.4 ये E note value दे रखी है E note का मतलब आप समझते हो standard electrode potential दे रखा है A और B का लेकिन बेटा A A3 plus it means these are oxidation potential और हमने जितने भी numerical solve किए हैं हमने उनमें क्या किया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को पहले हमने क्या किया है रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया है तो हम क्या लिखेंगे ई नोट सेल जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकालेंगे ई नोट रिडक्शन या ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड तो
कैथोड कौन सी है जिसकी रिडक्शन हो रही है, ये है। तो ये देखो बेटा ये ऑक्सीडेशन दे रखी है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे रिडक्शन में, तो मैं इसको -0.4 लिखूंगा। फिर माइनस इनोड एनोड, इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे -0.7, तो हम इसको लिखेंगे -0.4 + 0.7 दैट इज इक्वल टू +0.3। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल दैट इज 0.3 -0.0591 / m, m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 6 log कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब a+3 0.1 उसकी पावर कितनी है हमारे पास 2 है। इसी तरीके से b2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दैट इज 0.01 और उसकी पावर कितनी है 3 है। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। आपसे ई सेल पूछा जा सकता है, आपसे इसकी कंसंट्रेशन पूछी जा सकती है, आपसे इसकी कंसंट्रेशन गिवन नहीं हो पूछी जा सकती है, बाकी चीजें गिवन होंगी। तो इस तरह की वैल्यूज पुट अप करके आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, आप ई सेल फाइंड आउट कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं, एन पूछेगा या आपसे कहेगा वैलेंसी पूछ लेगा वो। तो ये सारी चीजें आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। इफ यू नो द फॉर्मूला, इफ यू नो द वैल्यू, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली। एंड दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई में इस पे क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपकी बार भी आया था। तो इस चीज पे फोकस जरूर करें, सारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखें, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कंसंट्रेशन सेल, हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल के बारे में पढ़ेंगे अब हम। ये भी एक सेल होती है, कि किस तरह की सेल होती है। अगर मान लो हमारे पास ये सेल है, हमने इसमें ये पार्टीशन कर दिया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया हमने दोनों तरफ, और इसमें हमने इलेक्ट्रोड्स ले ली, दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट कर दिया। ये मान लो जिंक रोड है और ये भी हमने क्या ले ली, जिंक रोड। तो कंसंट्रेशन सेल वो सेल है, द सेल इन व्हिच द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल्स बट द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इज डिफरेंट। इनकी कंसंट्रेशन क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन ले ली हमने C2। ये जो इलेक्ट्रोड है ये बनी हो सेम मटेरियल की, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो, तो इस तरह की सेल को हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन सेल। द सेल इन विच इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल बट द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप देखिए ई सेल कैसे लिखते हैं हम। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट -0.0591 / m log। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं पहले, कि मैं लिख दूं यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव। आप देखिए यहां एनोड है, यहां ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन C1 है, और यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक, इसकी कंसंट्रेशन हमने ले ली C2। तो हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन, तो हम क्या लिख देंगे C1 / C2। अब आप देखिएगा इसमें क्या होता है, ई सेल ई नोट इस केस में 0 होगा। कैसे होगा, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड करते हैं, दोनों जगह जिंक है तो दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम होगी, सेम में से सेम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, -0.0591 / n log C1 / C2। अभी इसको लिख देंगे E cell is equal to -0.0591 / m log C1 / C2. It is the concentration cell. This is expression for concentration cell. तो हम ये concentration cell के बारे में पढ़ा है हमने। अब हम next topic पे चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। इस चीज को बेटा ढंग से समझना है, कई बार ऐसा हुआ है ना सिचुएशन पे क्वेश्चन ना आके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी पे न्यूमेरिकल आया है तो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या था, सेल था हमारे पास गैल्वेनिक सेल, ये गैल्वेनिक सेल था, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाले थे, फिर हमने क्या डाला था, साल्ट ब्रिज डाला था, ये सॉल्यूशन था हमारे पास इस तरीके से, ये कैथोड था, ये एनोड था इस तरीके से, ये जिंक रोड था, ये कॉपर रोड हमने लिया था इस तरीके से था, बीच में साल्ट ब्रिज था। बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि व्हाई द सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम, तो हमने पहले ये प्रोसीजर समझा था कि सेल वर्क कैसे करती है। सेल वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल दैट देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन टू द कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस। In starting, the concentration of this electrolyte and this electrolyte is different. Means this has lower concentration and this solution has higher concentration. Because of concentration difference, there exists a potential difference. But after some time, beta, we have learned that concentration of zinc 2 positive ion increases. This solution has higher concentration, means increases with time, and the concentration of this solution decreases with time. Because copper 2 positive deposits on copper electrode, that's why its concentration decreases. And after some time, the concentration becomes same. Means at equilibrium, the concentration of zinc 2 positive ion and copper 2 positive solution becomes same at equilibrium. And the potential difference becomes zero. If there is no potential difference between two electrodes, it means cell will not work. Beta ji, aapko acche se samjha deta hu main. कि ये सॉल्यूशन था और ये सॉल्यूशन था, ये सेल वर्क किस बेस पे करती है कि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। अब कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, इसकी कंसंट्रेशन लो होती है, इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, लेकिन कुछ समय बाद मैंने कहा था कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन 2-2 केस में आते हैं, इट मींस इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, कॉपर 2 पॉजिटिव इस पे डिपॉजिट हो रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, एक स्टेज ऐसी पहुंच जाती है कि कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। अब कंसंट्रेशन सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, सेल वर्क नहीं करेगी। तो उस चीज पे, उस कंडीशन में मैं आपको बताता हूं, हमने आपको बताया था E is equal to E naught of cell minus RT upon NF log natural, जिसकी oxidation हो रही है उसकी concentration upon जिसकी reduction हो रही है उसकी concentration। अब बेटा मैं आपको यहां बता रहा हूं कि एक स्टेज ऐसी आती है कि जैसे जो concentration है इसकी डाउन आ रही है, किसकी, रिडक्शन हाफ की, और ये किसकी है, ऑक्सीडेशन हाफ, ये तो हमारे पास है रिडक्शन हाफ और ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ। देखो एक की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इधर इंक्रीज हो रही है, इसकी डिक्रीज हो रही है, एक पॉइंट आता है जिसपे क्या पहुंच जाता है, इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, जीरो, इट मींस ई ऑफ द सेल, पोटेंशियल ऑफ द सेल जीरो हो जाता है। तो अगर ये मैं लिखूं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो हो गया, इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल। और इक्विलिब्रियम पे बेटा आपने देखा होगा जो क्यू है, ये हमने बताया था आपको क्यू होता है, क्यू सी किसके बराबर होता है, केसी के, तो इसको हम इस पूरी को केसी लिख सकते हैं, आपने 11th में पढ़ा था केसी इज
द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो इसको हम Q बोल रहे थे, इक्विलिब्रियम इसको Q बोल रहे थे, क्वोशेंट, रिएक्शन क्वोशेंट बोलते हैं। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो QC किसके बराबर हो जाता है, KC के। तो हमने इसको क्या लिख दिया, KC लिख दिया। अब मैं इसको लिख सकता हूं कि E नॉट इज इक्वल टू, इसको इधर ले आया बेटा, ये प्लस का हो गया, RT अपॉन NF log natural KC। अब आप देखिए, हमने कल आपको बताया था कि log natural को हम 2.303 log लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूं E नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग के सी। इस लॉग नेचुरल को हमने क्या लिख दिया, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 2.303। हमने इसको ये लिखा है इस रिएक्शन में। अब देखो आप, हम सब की वैल्यू लिख देते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी। आर की वैल्यू हमें पता है फैराडे, सॉरी 8.314। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट। टी टेंपरेचर 298 केल्विन। जब हम इन सब की वैल्यूज पुट अप करते हैं तो वैल्यू आती है 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। तो लॉग केसी का मतलब है कि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी, उसकी वैल्यू पता करनी है, जिसको हम आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे, ई नॉट ऑफ दिस एल हमें गिवन होगा, या हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो आसानी से हम इनकी वैल्यू पता करके लॉग केसी पता कर देंगे। केसी करेंगे तो लॉग का क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, जो वैल्यू आपको गिवन होगी, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऐसे एक दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। यस बेटा, अब जैसे मान लो मैं इस पे न्यूमेरिकल कराता हूं, जैसे हमारे पास है जिंक, जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर, और ये कह रहे हैं इसके लिए हमें पता करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC की वैल्यू पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, E नॉट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log KC। इसके लिए हमें जिंक के लिए पता है, हमें गिवन होगा E नॉट जिंक 2 पॉजिटिव, सॉरी ये दिखाई नहीं देता, मैं बड़ा लिख देता हूं, E नॉट फॉर जिंक 2 पॉजिटिव जिंक, दैट इज इक्वल टू -0.76। और मैं कह रहा हूं E नॉट फॉर Cu 2 पॉजिटिव Cu, दैट इज इक्वल टू 0.34। अब इसके लिए हम E नॉट ऑफ दिस सेल पता कर सकते हैं कि E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, मींस 0.34 -0.76, दैट इज 1.10 वोल्ट। ये वैल्यू हम यहां रख सकते हैं, 1.10 वोल्ट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वोल्ट। कितने हुए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन वोल्ट, log KC। तो यहां से हम पता कर सकते हैं, ये टर्म इधर आ जाएगी, हम log KC की वैल्यू इस तरीके से पता कर सकते हैं। अगर KC की पता करनी है तो एंटी log हो जाएगी उधर जाके, और एंटी log की वैल्यू आपको गिवन होगी, वो आप पुट अप कर दोगे। तो इस तरह से आप इस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के न्यूमेरिकल्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी, बेटा गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हमने 11th में पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है कि द एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, वो एनर्जी जो किसमें, वर्क में कन्वर्ट होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास कोई भी बैंक है उसमें हम अकाउंट खुलवाते हैं, मान लो हमने बैंक में डाले हमारे पास 20,000 रुपीज, हमने बैंक में 20,000 रुपए डाल दिए, ठीक है। लेकिन बैंक एक कंडीशन रखता है
कि मिनिमम बैलेंस होना चाहिए उस कंडीशन में आपके पास। जैसे मान किसी बैंक की कंडीशन है, देयर मस्ट बी 5000 रुपीज इनटू द अकाउंट, कम से कम इतना आपके अकाउंट में हर वक्त होना चाहिए। अगर इससे कम जाता है तो बैंक आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लेता है, उस पे जुर्माना लगता है, पैसा कटता है। तो जो आपका पैसा जो वर्केबल है वहां पर वो कितना बचा, 15,000, that is gives free energy, जो valuable है वो कितना है हमारे पास, 15,000, 5,000 जो है वो minimum हमें bank में रखना ही है, that is the gives free energy, कि the work, energy that can be converted directly into the work, केवल वही energy जो work में convert की जा सकती है, बाकी बेकार है उसके लिए। इसका हमने 11th में लिखा था कि del G minus del G is equal to NFE, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोड, F फैराडेज कांस्टेंट और E क्या है E सेल। अगर हम गिव्स फ्री एनर्जी चेंज को कर दें डेल जी नॉट मींस इन स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज इक्वल टू N F E नॉट ऑफ द सेल। अब बेटा आप देखिए माइनस डेल जी नॉट इट इज इक्वल टू N F और E नॉट की वैल्यू हम यहां से एक बार पुट अप कर लें। हमारे पास जो E नोट की वैल्यू है एट इक्विलिब्रियम, हम यहां से पता कर लेते हैं कि क्या होगी। हम लिख सकते हैं E नोट की जगह इनटू में R T अपॉन N F लॉग नेचुरल K C, N F से N F कैंसिल हो गया, माइनस डेल G नोट इज इक्वल टू R T लॉग नेचुरल K C, माइनस डेल जी नोट इज इक्वल टू लॉग नेचुरल को हम क्या लिख सकते हैं 2.303 लॉग, तो मैं इसको लिख दूं 2.303 आर टी लॉग केसी। इससे भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, यहां से भी आप केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको आर टी और डेल जी की वैल्यू गिवन हो तो। आपको यहां पर एक चीज और मैं बताऊंगा कि हम क्या कह सकते हैं, गिव फ्री एनर्जी चेंज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन। तो आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा कि फाइंड आउट मैक्सिमम वर्क डन, वैल्यूज गिवन होगी, तो मैक्सिमम वर्क डन आप फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे माइनस डेल जी जो है ये क्या है गिव्स फ्री एनर्जी, ये कैलकुलेट कर लोगे दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन। न्यूमेरिकल मैं आप इस पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, दो तीन न्यूमेरिकल मैं लिख लेता हूं फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास ये न्यूमेरिकल है हमें इसको सॉल्व करना है, हमसे कह रहा है फॉर द सेल कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, एक तो आपको केसी कैलकुलेट करना है, दूसरा मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन। अब आप समझ गए होंगे मैक्सिमम वर्क डन हमने आपको क्या बताया था माइनस डेल जी नॉट दैट इज द मैक्सिमम वर्क डन दैट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। बेटा एन इसके लिए हम पता कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, F क्या है फैराडेज कांस्टेंट 96500 इनटू में E नोट, अब E नोट आपको कैलकुलेट करना आता है रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, E नोट ऑफ द सेल हम पता करेंगे बेटा दैट इज इक्वल टू 0.80 माइनस 2.37। इस वैल्यू को हम यहां पुट अप कर देंगे हम क्या पा सकते हैं मैक्सिमम वर्क डन। तो आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम वर्क डन इसका मतलब आपको माइनस डेल जी की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब वो आपसे कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, तो हमने आपको बताया था कि ई नॉट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी, आपको लॉग केसी का पता करना है, एन की वैल्यू आपको बताया कितनी है 2 है, ई नॉट की वैल्यू आपने यहां से कैलकुलेट कर ली, आप लॉग केसी की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाए तो उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं गिव्स फ्री एनर्जी चेंज
अगर आपसे मैक्सिमम वर्क डन की बजाय गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पूछा जाए तो उस केस में आप डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट लिखेंगे, उस केस में नेगेटिव साइन आके रहेगा, और मैक्सिमम वर्क डन पूछा जाए तो माइनस डेल जी नॉट की वैल्यू आपको पता करनी है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एक दो न्यूमेरिकल और सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स आपके पास ये न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल दिस एंड कैलकुलेट डेल जी नॉट। तो आपसे ये भी कह सकता है कि सेल फॉर्मेशन करिए इसकी। तो सेल फॉर्मेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने बता रखा है कि पहले क्या लिखते हैं, हम ऑक्सीडेशन लिखते हैं, उसके बाद हम रिडक्शन लिखते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि CR is converting into CR3 positive, तो हम लिख सकते हैं CR is converting into CR3 positive, then after CD2 positive is converting into CD। बेटा क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको रिएक्शन दे दी सेल फॉर्मेशन पूछ सकता है, सेल फॉर्मेशन दे दी आपसे रिएक्शन पूछ सकता है। तो रिएक्शन लिखने का भी मैंने तरीका आपको बताया था, बैलेंस करना भी मैंने बताया था। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसे सेल रिप्रेजेंटेशन दे दे उससे आपसे रिएक्शन पूछे तो आप क्या लिखोगे, सी आर इज कन्वर्टिंग इंटू सी आर थ्री पॉजिटिव, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इसी तरीके से CD2 positive is converting into CD, it means it is gaining 2 electrons। अब हमें electrons को balance करना है, यहाँ पर 3 electrons है, यहाँ पर 2 electrons है, इसको 2 से multiply कर दो, इसको 3 से, overall reaction लिख दो, क्या होगा 2CR plus 3 से इसको multiply करो 3CD2 positive, 6 electrons से 6 electrons cancel, 2CR3 positive plus 3CD, ये रिएक्शन हो गई आपकी। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू क्या रहेगी, 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, n की वैल्यू इस केस में कितनी हो रही है बेटा, 6 हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, आपसे पूछा है पहले e नॉट ऑफ द सेल, तो e नॉट ऑफ द सेल आप क्या करोगे, e नॉट कैथोड माइनस e नॉट एनोड। अब कैथोड कौन सा है, कैथोड जिस पे क्या होती है रिडक्शन, CT कैथोड है और CR एनोड है। क्वेश्चन में आपको इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होगी, तो इस में से इसको माइनस कर दोगे, इनकी इनोड वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, तो इसमें से ये माइनस कर दोगे आपको क्या मिल जाएगी, इनोड ऑफ द सेल। दूसरा आपसे पूछ रहा है डेल जी नोट, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल, एन माइनस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, एफ कितनी है 96500, ई नॉट आपने कैलकुलेट किया है कैथोड माइनस एनोड, सारी वैल्यूज पुट अप कर दोगे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। द मेन प्रॉब्लम इज द कैलकुलेशन ऑफ एन, आपको एन का पता होना चाहिए कि एन हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे पता कर रहे हैं। कई बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते, सारे न्यूमेरिकल ठीक है, एन की वैल्यू गलत है, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। फोकस करें इस चीज को पे कि एन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इनवॉल्वड इन ए रिएक्शन। तो बेटा इस चीज पे ध्यान देना है, मैंने आपको नॉन सिक्वेशन पे कराए हैं न्यूमेरिकल्स, इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट के सी पे कराया है, और गिब्स फ्री एनर्जी, इन तीनों में से ये समझो सीबीएसई में आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स और बाकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके पास हैं वो सॉल्व करनी है। सर्वोत्तम के क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप पे आज भेज दूंगा, किस पे भेज, नास्ट इक्वेशन पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी और गिब्स फ्री एनर्जी सॉल्व करोगे कल इस टाइम तक। फिर मैं अगर स्टूडेंट्स देयर आर टू न्यूमेरिकल्स वी हैव टू सॉल्व दिस, इस रिएक्शन के लिए बेटा एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज हमें दे रखे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एस माइनस टी डेल एस, डेल जी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो डेल एच माइनस टी डेल एस है। डेल एच क्या होता है, एंथैल्पी चेंज, तो एंथैल्पी चेंज हमें गिवन है। फिर डेल एस क्या होता है, एंट्रोपी चेंज, तो एंट्रोपी चेंज हमें गिवन है। तो हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर भी हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे डेल जी यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। उससे पहले हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि डेल जी अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके लिए फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना और आसान हो जाता है। हमने आपको वो फॉर्मूला बताया था जैसे
फिर हमने E नोट ऑफ द सेल की वैल्यू रखी थी NF इनटू RT अपॉन NF, और लॉग नेचुरल हमने क्या लिखा था, KC लिखा था, NF से NF कैंसिल हो गया था, डेल जी नोट, डेल जी नोट हमें पता है, R हमें पता है, T हमें पता है, तो हम KC की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल कई बार हम घबरा जाते हैं कि भाई एंथैल्पी चेंज एंट्रोपी चेंज कहां से आ गया। तो जो हमने 11th में रिलेशन पढ़ा था डेल जी इज इक्वल टू डेल एस माइनस टी डेल एस, उसको याद करिए, वैल्यूज पुट अप करिए, डेल जी पता करिए, फिर हम उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस की पता कर सकते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल पे पहुंचते हैं, ई नोट ऑफ द सेल रिएक्शन, इसमें हमें ई नोट दे रखा है और आसान क्वेश्चन हो गया ये, हमें पता करना है कैलकुलेट द डेल जी नोट, हमें पता है डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ द सेल। आप इस चीज को समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आएगी कि एन क्या है, अगर आपने एन की वैल्यू गलत पुट कर दी तो आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। सो फॉर द राइट आंसर यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एन इन राइट वे। आप एन कहां से पता करेंगे, यहां से पता कर लीजिए, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है, यहां से आप देख सकते हैं 2CR है, 2CR3 पॉजिटिव, तो 2, 3 is 6, आप पता कर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं। अगर इसका पता करें तो 3, 4 जा कितने 12 और इसका कितना है 3, 2 जा 6, इट मींस इट हैज गेन 6 इलेक्ट्रॉन, या इसकी कहते हैं इट हैज लूज 3 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू जो सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें 6 आ रही है, तो आप यहां पर -6 * f की वैल्यू रख दोगे, e नोट की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ये वैल्यूज रखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कर करके देखने हैं, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, ठीक है बेटा, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू, जय हिंद।